नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है खट्टा मीठा मिक्स अचार बनाने की। इस अचार को हम चीनी से नहीं बनाएंगे, गुड़ से तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और इस अचार को आप बना के किसी भी कांच के जार में स्टोर करके साल भर तक आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं खट्टा मीठा ये मिक्स अचार। तो चलिए देख लेते हैं खट्टा मीठा सर्दियों का बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने एक फूल गोभी ली थी, उसको मैंने अच्छे से कट करके और धो लिया है, इस तरह से पीसेज में कट किया है। बहुत ज़्यादा छोटे पीस हमें इसको नहीं करने हैं। और गोभी को आप हमेशा गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से धोएं, जिससे कि उसके अंदर जो भी छोटे मोटे कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे, गोभी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक कप ये फ्रेश मटर ली है, तो इस रेसिपी में आपको फ्रेश मटर का ही यूज़ करना है, फ्रोज़न मटर का यूज़ नहीं करना है। मटर को भी मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। एक ली है मैंने यहाँ पर शलजम, इसको भी मैंने छील के धो लिया है। एक ली है मूली, मूली भी मैंने छील के अच्छे से धो ली है। दो ली हैं हमने गाजर, तो इनको भी छील के हमने धो लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गोभी हमने पहले से ही कट करके तैयार कर ली है, मटर भी हमने छील के तैयार कर ली। तो अब हम शलजम, मूली और गाजर को पीसेस में कट कर लेते। आप चाहें तो इनको लंबाई में कट कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको गोल कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने गाजर इस तरह से लंबाई में कट कर ली है, मूली भी हमने इस तरह से कट की है और शलजम को हमने इस तरह से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने पहले से ही धो ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम धूप में मॉइस्चर निकलने तक फैला देंगे। किसी आप साफ धुले हुए कॉटन के कपड़े पे फैला सकते हैं इनको। अचार बनाने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो भी हम देख लेते हैं। एक छोटी चम्मच लिया है हमने लाल मिर्च पाउडर, आधा कप लिया है यहाँ पर हमने सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, एक कप लिया है हमने गुड़ और उसको इस तरह से तोड़ लिया है। जितनी आप सब्जियाँ लेंगे अचार बनाने के लिए उसका जस्ट हाफ आपको गुड़ लेना है। जैसे आपकी सब्जियाँ अगर 400 ग्राम वेट में हो रही हैं तो आपको 200 ग्राम ये गुड़ लेना है। एक चम्मच लिया है हमने काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, दो चम्मच लिया है सफ़ेद नमक, दो चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच हम हींग का यूज़ करेंगे, एक पूरी गांठ लहसुन की हमने ली है उसको छील लिया है, 15 से 20 ये लहसुन की कली है, एक टुकड़ा हमने अदरक का लिया है इसको भी छील के धो लिया है, 6 हमने हरी मिर्च ली है इनको भी हमने अच्छे से धो ली के पोंछ लिया है। साथ में ही हम लेंगे एक छोटी चम्मच गरम मसाला और दो चम्मच सिरका यानी विनेगर। तो ये देखिए हमने गोभी, मूली, गाजर, शलजम और मटर को धूप में फैला दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप देख सकते हैं कलर से ही पता पड़ रहा है कि इनका मॉइस्चर निकल गया है। तो ये सब्जियां हमारी जो है अचार बनाने के लिए तैयार हैं। हमने ले लिया है एक मिक्सी जार, जो हमने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन लिए हैं इनको हम मिक्सी जार में डाल के इनका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इनको ऐसे ही बारीक कट करके भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से रफली कट करके हम हरी मिर्च भी डाल देते हैं इस जार में। अब हमने जो अदरक लिया है इसको भी हम इस तरह से पतले पतले पीसेस में कट करके डाल देंगे, जिससे कि आसानी से पिस जाएगा। और लहसुन की कलियां तो आसानी से पिस जाती हैं, तो इनको हम साबुत ही डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा के इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। हमें गहरा बर्तन ही लेना है ये अचार बनाने के लिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और इसको हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ये देखिए तेल जो है धुआं छोड़ने लगा है, अच्छे से गर्म हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि सरसों के तेल को आप अच्छे से गर्म कर लें। तो अब हम इसमें डाल देंगे हींग, गैस की फ्लेम हमने लो कर रखी है। अब हमने जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के तैयार किया है इसको हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को कर लेंगे मीडियम
और इस पेस्ट को हम सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट को हमने सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं किसका कलर कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। कुछ सेकंड हम फ्राई कर लेंगे मसालों को। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले मटर डाल देंगे और मटर को हम एक मिनट पहले इसी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मटर को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें बाकी बची हुई चीज़ें भी डाल देते हैं, मूली, गाजर और गोभी। गैस की फ्लेम अभी हमने लो ही कर रखी है। पहले हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे इसको, उसके बाद हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ाएंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने सारी चीज़ों को और आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आ रहा है। गैस की फ्लेम अभी हमने लो ही रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और बीच बीच में एक दो बार हम इसको पलटते भी रहेंगे जिससे कि सब्जियां जो हैं हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के लगभग हो गए हैं लो फ्लेम पर पकते हुए। एक बार और हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जियां जो हैं तेल छोड़ने लगी हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें इनको कुक नहीं करना है। तो इस तरह से अब हम बीच में जगह बना लेंगे और जो गुड़ हमने लिया है उसको छोटे छोटे पीसेस में हमने तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बीच में हम गुड़ को दबा देंगे, ऊपर से सारी सब्जियां कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको दोबारा से ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हम चेक करेंगे। 2-3 मिनट के बाद एक बार हम और मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है पिघलना स्टार्ट हो गया है। मिक्स कर लेंगे। दोबारा से 2-3 मिनट के लिए और इसको कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम हमने पूरे प्रोसेस में लो ही रखी है। चेक कर लेते हैं, मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है पूरी तरह से पिघल गया है, अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये देखिए बस हमें इसको इतना ही कुक करना है, इसकी पूरी हमें सब्जी नहीं बनानी है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार के 10 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो अचार को हमने ठंडा कर लिया है गैस से नीचे उतार के। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने विनेगर लिया है यानी सिरका, वो हम इसमें डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सिरका हम इसमें डालेंगे। 1 चम्मच और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सिरका इसमें ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक ये कांच का कंटेनर लिया है, इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी से धो के और धूप में सुखा के ठंडा कर लिया है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इस अचार को इस कंटेनर में भर देंगे और आपको अभी जो इसका ये रस दिखाई दे रहा है पतला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही अचार ये बन के तैयार होगा ये गाढ़ा हो जाएगा। अचार को हमने इस कंटेनर में भर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक लगा देंगे पतला साफ धुला हुआ कॉटन का कपड़ा। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे जिससे कि हम इसको धूप में रखेंगे तो जो भी मॉइस्चर बनेगा, जो भी भाप बनेगी वो अचार में न जाए।
तो 5 से 6 दिन हम इस अचार को बराबर से धूप में रखेंगे और इसको जार को हम हिलाते रहेंगे दिन में 1 से 2 बार। तो 5 से 6 दिन के बाद हमारा ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप इस अचार की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।